मैं इसीलिए ये दावा कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है। अपने मस्तिष्क का मालिक मैं हूँ। मैं ये निर्णय लूँगा कि मेरा मस्तिष्क क्या सोचेगा। जो मैं कर सकता हूँ वो आप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का एपिसोड हम यहीं पर समाप्त करते हैं, इस आशा से कि आप मेडिटेशन करना सीखेंगे और इसका अभ्यास भी करेंगे। मेरा ये विश्वास है कि इसमें आप सफल होंगे, फिर ये आपके जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाएगा। शांति हमारे भीतर है, हमारे वश में है। इसको पाना हमारा अधिकार भी है और कर्तव्य भी। अगले एपिसोड में मिलते हैं और ये जानते हैं कि हमें जीवन में किस तरह के कार्य करने हैं। कुछ बड़ा करो जो याद रखा जाए। दोस्तों, हम सबकी यही ख्वाहिश होती है कि हमें दुनिया याद रखे, तो हमको अपने से भी बड़ा कुछ करना होगा। यदि हम इस काम के बारे में सोचें कि हमको क्या करना है, तो ज़रूर ही ये एक कारगर सोच कहलाएगी। पर क्या लोग ऐसा सोचते हैं? क्या आपने कभी ऐसा सोचा? सच कहूँ तो मैं कभी कभी सोचता हूँ। और एक सच कि मुझे अभी तक पता नहीं चला कि वो कौन सा काम है जो मुझे करके जाना है। आपको पता है क्या? खैर, जैसा कि हम पहले भी सुन चुके हैं कि इस ऑडियो बुक के मूल सिद्धांत प्रैग्मैटिज्म की थ्योरी से लिए गए हैं। गूगल सर्च में आप पाएंगे कि इसको पेश करने का श्रेय चार्ल्स सैंडर्स पियर्स को दिया गया है। वो जॉन हॉपकिंग्स यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे, पर पियर्स को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। हुआ यूं कि पियर्स अपनी पत्नी से अलग रह रहे थे। वो दोनों एक दूसरे को तलाक देना चाहते थे। इस बीच पियर्स की एक प्रेमिका बन गई जो उनके साथ रहने लगी थी। उस समय के कानून के अनुसार ये मान्य नहीं था, इसलिए पियर्स को नौकरी से निकाल दिया गया था। पियर्स ने गरीबी में कई वर्ष न्यूयॉर्क की सड़कों पर भी बिताए। इस बीच विलियम्स जेम्स ने प्रैग्मैटिज्म पर काफ़ी शोध किया और एक पुस्तक भी लिखी, जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। 1890 में प्रकाशित इस किताब को लिखने में 12 वर्ष लगे थे। फिर 1898 में एक लेक्चर के दौरान विलियम जेम्स ने अपने दोस्त पियर्स को प्रैग्मैटिज्म का जनक माना। अब जान लेते हैं प्रैग्मैटिज्म क्या होता है। किसी आइडिया, विचार या सोच की व्यवहारिकता को जानना होता है प्रैग्मैटिज्म। कोई विचार, कोई सोच, कोई आइडिया क्या व्यवहारिक मूल्य रखता है, क्या उसकी कोई व्यवहारिक उपयोगिता है, ये जानना ही प्रैग्मैटिज्म है। हिंदी में इसको व्यवहारवाद कहते हैं। विलियम जेम्स का कहना था कि वैज्ञानिक उन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ या अनुमान पर समय बर्बाद करते हैं जिनकी आम आदमी के जीवन में कोई उपयोगिता ही नहीं है। यदि कोई विज्ञान वेता ये साबित कर दे कि पृथ्वी की रचना किस प्रकार से हुई थी, तो क्या आप और हम अपने जीने का तरीका बदल देंगे? कदापि नहीं। तो फिर इसका क्या लाभ हुआ? ये तो समय की बर्बादी ही हुई ना। एक व्यवहारवादी लुईस मेनार्ड का कहना है, वी कैन नेवर होप फॉर एब्सोल्यूट प्रूफ ऑफ एनीथिंग। ऑल आर डिसीजंस आर बेट्स ऑन व्हाट द यूनिवर्स इज टुडे एंड व्हाट इट विल डू टुमारो। हम कभी भी किसी भी चीज़ के विषय में पूर्ण सत्य का सबूत नहीं दे सकते हैं। हमारे निर्णय इस सोच पर आधारित हैं कि ब्रह्मांड आज कैसा है और कल ये क्या होगा। लोगों की व्यवहारवाद के बारे में क्या राय है, ये एक अलग बात है। जो बात मुझे यहाँ तक नई सोच देती है वो ये कि यदि विलियम जेम्स ना होते और वो व्यवहारवाद का प्रचार ना करते, तो इस विषय पर शायद कोई गहरी चर्चा ना होती। पर उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि विलियम जेम्स ने अपने इस बड़े काम का क्रेडिट अपने मित्र पियर्स को दिया। इस तरह उन्होंने पियर्स को एक नया जीवन ही दे दिया। साथ ही साथ जेम्स ने पियर्स को एक तरह से अमरत्व भी प्रदान कर दिया। इसके बाद पियर्स ने कुछ लेख भी लिखे, पियर्स को सम्मान भी मिला। जेम्स ने इस तरह एक सार्थक काम किया। ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है जो विलियम जेम्स से हम सीख सकते हैं। जीवन में कुछ ऐसा करके जाओ जो तुम्हारे जाने के बाद भी याद रखा जाए। एक बार स्वयं विलियम जेम्स ने कहा था,
जीवन का सबसे महान और बड़ा सदुपयोग ये है कि आप इस जीवन को उस कार्य पर लगाएं जो आपके जीवन समाप्त होने के बाद भी जीवित रहे, जिसकी उम्र आपसे भी अधिक हो। द ग्रेटेस्ट यूज ऑफ अ लाइफ इज टू स्पेंड इट ऑन समथिंग दैट विल आउटलास्ट इट। व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसे किसी भी कार्य का कोई उपयोग नहीं है जिसकी उम्र आपकी उम्र से अधिक हो। उसको देखने के लिए आप तो यहाँ होंगे ही नहीं, तो फिर क्या फायदा? परंतु यहाँ पर फायदा या नुकसान की चर्चा नहीं हो रही है, चर्चा का विषय है जीवन की उपयोगिता। एक बार विचार करिए, यदि हम अपना जीवन इस तरह से बिताएं, प्रतिदिन इस बात को ही सोचें कि हमको प्रयास करना है कि हम उपयोगी कार्य को करने में या फिर उपयोगी चीज़ों के सृजन में अपना समय बिताना है, ऐसा सृजन या रचना करनी है जो दूसरों के लिए लाभदायक हो, तो फिर हम अपना समय सिर्फ उपयोगी कार्यों में ही लगाएंगे? हम ऐसे काम करेंगे जिससे हमारे देश, समाज और लोगों का भला हो सकेगा? हम वाकई में दुनिया को एक बेहतर दुनिया बनाने में समर्थ हो सकेंगे? यदि ऐसा करेंगे तो वास्तविकता में जीवन अर्थपूर्ण बन जाएगा, हम एक सार्थक जीवन जी सकेंगे। नमस्ते दोस्तों, बहुत सुंदर रहा आपका साथ। मैं कृतज्ञ हूँ कि आपने इस ऑडियो को सुनने के लिए अपना कीमती समय दिया। आशा है इस बुक से आपके जीवन को एक नया आयाम और नई सोच मिली होगी। मेरा पूरा विश्वास है कि आप सीधी सोच के लिए स्वयं को प्रशिक्षित कर रहे होंगे। एक बार सारे पॉइंट्स को हम फिर से देख लेते हैं। दोबारा सुन लेने से सभी बातें एक साथ मस्तिष्क में बस जाएंगी। सबसे पहले तो हमने ये जाना कि जो हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। हमारे विचार हमारे कार्य, व्यवहार और व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, इसलिए सोच पर नियंत्रण होना ज़रूरी है। ये नियंत्रण कोई एक दिन में या फिर एक किताब को पेश कर नहीं सीखा जा सकता है, इसके लिए सतत अभ्यास और प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। इसका कारण ये है कि चेतन मन कभी शांत नहीं रहता, इसमें हर समय कोई ना कोई सोच या विचार चलता रहता है। यूं समझ लीजिए कि मस्तिष्क में विचारों का उलझन भरा एक गुल्ला है और सीधी सोच का सिरा इसमें से ढूंढना है। इसके लिए हमें उस विचार पर फोकस करना होगा जो अमुक स्थिति में हमें हमारे लक्ष्य तक ले जाए। बाकी के विचारों को ध्यान के केंद्र से दूर ही रखना है। साथ ही ये भी जान लीजिए कि जहां हमारा फोकस होगा, हमारी सारी ऊर्जा भी उसी ओर ही जाएगी। हम उन्हीं चीज़ों को देखेंगे जो हमारे चुने हुए विचार के साथ तालमेल रखेंगी। ये भी याद रखना है कि हमारा जीवन वैसा ही होगा जैसी हमारी सोच होगी। साथ ही साथ कोई भी एक्शन किसी न किसी सोच या थॉट से उत्पन्न होता है। यदि हम सकारात्मक सोच रखेंगे तो हमारा ज्ञान सकारात्मक होगा। इसके विपरीत नकारात्मक सोच नकारात्मक जीवन की ओर ले जाएगी। व्यवहारवादी सोच होना भी जरूरी है। जो सोच व्यवहारिक जीवन में उपयोगी होगी वो ही श्रेयस्कर होगी, इस बात का ध्यान रखना है। अनुपयोगी सोच निरर्थक है और उसमें समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। दिमाग में बहुत से विचार आते हैं, उनको फिल्टर करना भी जरूरी है। हम सभी विचारों के पीछे भागने लगेंगे तो उनके जाल में उलझकर गिर जाएंगे। ये भी ध्यान रखना है कि जीवन एक सीधी रेखा पर नहीं चलता, इसकी चाल सांप जैसी घुमावदार है। तो आप कभी निश्चित होकर नहीं कह सकते कि इस घटना के बाद ये ही दूसरी घटना होगी। ए लीड्स टू बी एंड बी लीड्स टू सी, ऐसा वास्तविक जीवन में नहीं होता। यहाँ अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए आपको कई मोड़ लेने पड़ेंगे। और एक बात, लक्ष्य तक पहुँचने के अनेक रास्ते भी होते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक ही रास्ता सबके लिए सही रास्ता हो। एक सबक जो हमें याद रखना ज़रूरी है कि मस्तिष्क को फीड करते रहना भी ज़रूरी है। इसको भी व्यायाम की ज़रूरत है, वरना ये शिथिल हो जाएगा और मस्तिष्क कई सूचनाओं को एकत्रित करके नए सृजन और विचार को जन्म देता है।
तो इसीलिए इसको नई सोचना और शिक्षण देना ज़रूरी हो जाता है। परंतु अगर हम पूरे समय पास्ट या अतीत को सोचते रहें, भविष्य की चिंता से परेशान रहें, तो हमारा नुकसान ही होगा। अनुमान, अटकलें, चिंता, पुरानी सोच हमें भटका देती है। किसी भी निर्णय को लेने के लिए हमको शोध, अनुसंधान और आंकड़ों पर भरोसा करना होता है, ना कि भ्रांति और अनुमान पर। आगे ये भी स्पष्ट है कि कई चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, जैसे अतीत, भविष्य, दूसरों की सोच, दूसरों के निर्णय, तो फिर उनके बारे में सोचना ही क्यों? वो ही सोचिए ना जो आपके और हमारे वश में हो। वो है हम, हमारा वर्तमान और हमारी खुद की सोच। पर यह सोच भी कभी कभी हमें धोखा दे देती है। ऐसा तब होता है जब हम कॉग्निटिव बायस का शिकार हो जाते हैं। कॉग्निटिव बायस मतलब मानसिक पूर्वाग्रह। ये हमें भटका देते हैं। इसीलिए सत्य और असत्य को परखना भी आवश्यक हो जाता है। एक बात और जो सीखने को मिली कि सत्य क्या है, ये दूसरों को समझाने में अपनी ऊर्जा को नहीं गंवाना है। आगे ये भी स्पष्ट है कि कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना है और भविष्य के लिए भी कोई बड़े निर्णय नहीं लेने हैं। तुरंत लिए गए निर्णय हमारी पुरानी किसी सोच के आधार पर होते हैं जो वर्तमान की परिस्थिति में लागू नहीं हो सकते, और भविष्य में कोई अन्य महत्वपूर्ण कार्य हमारे समक्ष हो सकते हैं जो पहले लिए गए निर्णय या प्लान को पूरा होने से रोक सकता है। इसीलिए निर्णय लेने से पहले सोचने का समय ज़रूर लेना चाहिए। हर काम को बारीकी से देखना चाहिए। परफेक्शन से हम आगे आने वाली मुसीबतों से बच सकते हैं। आज की छोटी सी गलती कल बड़ी मुसीबत का कारण बन सकती है। इसलिए हर डिटेल पर ध्यान देना है, गलतियों को सुधारना है और परफेक्ट काम ही करना है। कोई भी काम सीखते समय बीच बीच में मस्तिष्क को आराम देना भी ज़रूरी है। एक थका हुआ मस्तिष्क सीधा नहीं सोच पाएगा। शब्दों के सहारे मस्तिष्क सोचता है, पर यदि चित्रकला या ड्राइंग के माध्यम से भी सोचने की कला का सहारा लिया जाए तो और भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। एक महत्वपूर्ण बात ये है कि जो आप हैं वो रहिए। ये मत सोचिए कि आपको क्या होना चाहिए। जीवन के गलत निर्णय हम तभी लेते हैं जब हम खुद को पहचानते नहीं हैं। आत्म परिचय सीधी सोच का एक रास्ता है। इसके लिए आपको जर्नल भी लिखना चाहिए। ये आपको रिफ्लेक्ट करने में सहायक होगा। आप अपने कार्यों को पलटकर देख सकेंगे, उनसे सीख पाएंगे। साथ में ये भी स्पष्ट होगा कि आपकी सोच कितनी कारगर है। व्यर्थ की सोच से बचने का एक तरीका ये भी है कि आप प्लान करें और आदत विकसित करें। अगर आपका प्लान कोई ठोस परिणाम नहीं दे रहा है तो पुनः सोचकर उनमें वो परिवर्तन लाएं जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाए। आदत विकसित होने से आप व्यर्थ सोच से बच जाते हैं। अपनी सोच को नया और नायाब बनाइए। थिंक आउट ऑफ बॉक्स, लीक से हटकर सोचिए। जीवन आपका है, अपने तरीके से इसको बिताइए। अपने समय का सही उपयोग करिए। हर समय अतीत को सोचते रहना, अतीत में किए गए काम पर पछतावा करते रहना समय की बर्बादी है। समय का उपयोग ये सोचने में करिए कि मैं ऐसा क्या करूं जो मेरे जाने के बाद भी जीवित रहे। कुछ उपयोगी करने के बारे में सोचिए। आपका जीवन अपने आप ही एक दिशा पा जाएगा। आपको अधिक सुख की अनुभूति होगी। आपकी सोच बेहतर होगी। आप व्यर्थ की सोच से बच जाएंगे। हमारा ध्येय अगर आंतरिक शांति प्राप्त करना है तो मस्तिष्क में आ रहे विचार या सोच को देखो, उसका निरीक्षण करो, फिर उसको जाने दो, उसको छोड़ दो। ये ही तो ध्यान है, ये ही तो मेडिटेशन है, और ये आप खुद कहीं भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस आशा से कि आपको ये ऑडियो पसंद आया होगा, आज हम इसको समाप्त करते हैं। शीघ्र मिलेंगे फिर एक नई बुक समरी के साथ। नमस्ते।